गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को नोटबुक का फ्रंट पेज डिजाइन करने सिखाए थे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नए नोटबुक का फ्रंट पेज डिजाइन करने सिखा रहे हैं, जो आज के मॉडल का है, मतलब आज के लेटेस्ट मॉडल है। सबसे पहले हमें एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में टाइप करें वर्ड और एंटर प्रेस करें। दोस्तों, एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। इसमें हमें जाना है पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब के बारे में हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट मार्जिन में जाना है और नैरो मार्जिन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद इंसुलेशन ग्रुप के अंतर्गत शेप टूल्स आपको मिलेगा, जहां से हम लोग अनेक प्रकार के शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमें रेक्टेंगुलर शेप को इंसर्ट करना है। रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट करेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आप पेज का साइज को छोटा कर लेंगे। व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद वन पेज का ऑप्शन हमें मिलेगा जूम ग्रुप में, इसमें वन पेज कर लेंगे। अब जो हमने रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ किया है, इसे पूरे नीचे तक मिलाएंगे, पेज के पार कर देना है। ध्यान रखिएगा, पेज के पार आपको तीन तरफ से करना है, ऊपर, नीचे और लेफ्ट साइड में। फिर से जाएंगे इंसर्ट टैब में और फिर से आपको सिलेक्ट करना है एक नया शेप। और इस बार हम लोग जो शेप यूज करेंगे वो फ्लेक टाइप से, देखिए यहाँ पे शो कर रहा, इसका नाम है वेव। इसे सिलेक्ट करेंगे और ड्रॉ करेंगे इस तरह से फ्लेक टाइप से। और इसका भी ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला पार्ट जो है यह पेज से बाहर हो जाना चाहिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए, और केवल नीचे साइड आपको दिखाना है। इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। अब इसे ही कॉपी करना है और फिर पेस्ट करना है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब इसे नीचे सेट करेंगे सेम मेथड से। देखिए सेट हो गया। अब क्या करना है हमें, फिर से इंसर्ट स्टेप में जाना है, शेप ग्रुप में फिर से जाना है और फिर से आपको रेक्टेंगुलर शेप ही सिलेक्ट करना है और इस तरह से ड्रॉ करना है। अब इस शेप को शेप फॉर्मेट में जाने के बाद हमें मिलेगा सेंड टू बैकवर्ड। यहां पर हम लोग सेंड टू बैक करेंगे, जिससे ये शेप बैक चला जाएगा। अब हम लोग सभी शेप में कलर फिल करेंगे। आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं शेप फिल में जाकर के वो कलर फिल कर सकते हैं। तो हम मोर फिल कलर में जाते हैं और यहां से ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लें। इस तरह से सभी शेप में जो हमने पहले ड्रॉ किया था ब्लू कलर एंटर कर दिया। अब शेप का आउटलाइन को हमें कलर करना है। शेप आउटलाइन के लिए शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहां से आप कोई भी एक कलर कर सकते हैं। तो हम येलो कलर कर दिए और यहां से इसका जो वेट है ये 6 PT करना है, सभी का 6 PT ही करना है। और कलर सेम कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि ये मोटा लाइन आपको दिखेगा, देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये बैक बीच वाले पार्ट में पिक्चर आप फिल कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा बीच में पिक्चर रहता है, ऊपर नीचे आपका इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है। तो इसी तरह से हमें आज का लेटेस्ट मॉडल बनाना है। बीच में पिक्चर लेने के लिए आपको फॉर्मेट में जाना है, फिर शेप फिल में जाना है। शेप फिल में जाने के बाद पिक्चर ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपका फाइल खुल जाएगा और आप अपने फाइल से कोई भी पिक्चर जो यूज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई फ्लावर सिलेक्ट करने सोच रहे हैं, चलिए ये फ्लावर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए फ्लावर बीच में आ गया। तो एक तरह से ये हमारा कॉपी बनकर तैयार हो गया, लेकिन हम थोड़ा इसे और अच्छा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है थोड़ा सा
ऊपर चढ़ गया है, तो इसे सिलेक्ट करके हल्का सा घसका करके इसके बराबर पे लाएंगे। देखिए सेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए येलो पार्ट दिख रहा थोड़ा सा, तो इसे हम थोड़ा और ऊपर करेंगे। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये सही है। आप अगर बड़ा करना चाहते हैं इसे तो नीचे और खींच सकते हैं। नीचे में भी देखिए थोड़ा सा ये इधर है, तो इसको हम ये एरो की से हल्का हल्का सेट कर लेंगे। देखिए सही हो गया। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये पार्ट नीचे रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, दिखना नहीं चाहिए। अब पेज को छोटा कर लेते हैं, देखिए कितना अच्छा हो गया। अब हमें यहाँ पर एक लोगो लगाना है, व्यू में जाकर के इसे पेज बिट कर दिए, और यहाँ पर हमें नाम भी लिखना है, जैसे क्लासमेट, पीकॉक, नेशनल, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नाम लिखने के लिए आपको करना क्या है, ऐड टेक्स्ट करना है। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन से पर राइट क्लिक कीजिएगा और ऐड टेक्स्ट में जाइए, आपको ऑप्शन मिल जाएगा लिखने के लिए। अब हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं कंपनी का नाम लिख सकते हैं, हम नेशनल लिख दे रहे हैं, नेशनल। कंट्रोल ए से इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट डायरेक्शन मिलेगा। टेक्स्ट डायरेक्शन में हम लोग लास्ट वाले 270 डिग्री का टेक्स्ट डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसे इस तरह से हो जाएगा। और फिर होम में जाएंगे और इसका साइज बड़ा करेंगे। अब आप फॉन्ट का फेस जो है चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरह का भी फॉन्ट फेस चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट फेस आपको मिल जाएंगे, इस तरह से कोई भी फॉन्ट फेस आप लगा सकते हैं। फ्रॉट फॉन्ट फेस हम लगा दिए, आप कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी एक डिजाइन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले इधर बनाते हैं। इसके लिए आपको फिर इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट करना है और इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर दें। आप इसका कलर कोई भी रख सकते हैं, मैरून कलर हम फील करती है और आउटलाइन का येलो कलर के। अब इसमें आप कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं। अगर लाइनिंग आप डिजाइन चेंज करना चाहते हैं लाइनिंग का, तो यहाँ पर व्यू में आकर के यहाँ पर आपको डिजाइन मिल जाएगा अलग अलग, आप वहाँ पे ले सकते हैं। मोर लाइन में और भी लाइन्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए इसे डबल लाइन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम तो डबल सिलेक्ट कर लें और इसका साइज जो है यह यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से साइज को बढ़ा देते हैं। अब देखिए अच्छा लग रहा है, क्लोज कर दीजिए। इसमें कुछ लिखना चाहते हैं आप तो राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे हम कंप्यूटर लिख देते हैं, और इसे भी सेम कंट्रोल ए करेंगे। अगर आप शॉर्टकट से बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट आपको प्रेस करना है, जिससे स्टेप बाय स्टेप यह बड़ा होता चला जाता है। अब आप टेक्स्ट कलर करना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट फील से भी कलर कर सकते हैं, और अगर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इफेक्ट भी इससे रिलेटेड मिल जाता है। इस तरह से उम्मीद। अब यहाँ पर बनाना चाहते हैं हम, आप ये काम कर सकते हैं, ये सभी स्टेप जो हैं सभी को आप ग्रुप बना सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू में जा करके पेज को छोटा कर लेना है, वन पेज कर लेना है, और इसके बाद कंट्रोल बटन के साथ सिलेक्ट करना है। देखिए फर्स्ट ये फ्लावर वाला फोटो वाला कर लिए, इसके बाद कंट्रोल बटन दबा देना है, फिर आप ऊपर क्लिक कीजिए, नीचे शेप पे क्लिक कीजिए और ये साइड वाले शेप पर क्लिक कर दीजिए। अब ये चारों स्टेप ग्रुप बन जाएगा। अब आपको आना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर ग्रुप पे क्लिक कर देना। अब यह एक साथ हो गया, इधर उधर नहीं होगा। व्यू में जाकर पेज को हम बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर ना लिख करके हम नोटबुक लिखते हैं, और इसका फॉन्ट पेज भी हम बदलना चाहते हैं। होम में आएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट पेज बदल सकते हैं। एरियल ब्लैक कर ली और साइज देखिए बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा छोटा। अब हम चाहते हैं यहाँ पर सेफ्टी का एक लोगो लगाएं, क्योंकि हमारा जो पेपर है ये वृक्ष को काट करके, ट्री को काट करके नहीं बनाया गया है, यानी कि नेचर सेफ्टी है।
तो नेचर शेप का हमें एक यहाँ पर लोगो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और सर्कल शेप सेलेक्ट करेंगे। सर्कल शेप ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है शिफ्ट बटन के साथ ड्रॉ करना है, जिससे कि यह पूरा राउंड होगा। फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फील्ड में जाएंगे, ग्रेडिएंट में जाएंगे और मोर ग्रेडिएंट में जाएंगे। मोर ग्रेडिएंट में जाने के बाद आपको पैटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर फोरग्राउंड कलर को व्हाइट करेंगे और बैकग्राउंड कलर को ग्रीन करेंगे। आप डार्क ग्रीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और ओके करेंगे। अब इसमें हम ये पत्तिया वाला जो डिजाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन का कलर व्हाइट करेंगे। सेम हमें फिर से जाना है और एक और सर्कल ड्रॉ करना है, तो इस बार भी शिफ्ट के साथ आपको करना है ताकि ये बराबर बने। और इसका बैकग्राउंड जो है पूरे ग्रीन रखेंगे और आउटलाइन व्हाइट रखेंगे। अब रेक्टेंगुलर शेप लेना है और इसके बीच में इस तरह से आपको फेस देना है। रेक्टेंगुलर शेप का आउटलाइन को व्हाइट करना है और अंदर के कलर को ग्रीन ही रखना है। इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाएंगे और व्हाइट वाला कोई भी शेप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेचर शेप की फॉरेस्ट शेप, तो हम यहाँ फॉरेस्ट शेप लिख दिए। कंट्रोल ए और कंट्रोल प्लस छोटी ब्रैकेट से आप इसे छोटा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर इसे रखना चाहते हैं तो यहाँ सेट कर सकते हैं आप इसे इस तरह से, एरो की से आप सेट। साइज थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो सेम आपको कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट यूज कर। ये मेरा एक लोगो बन गया। यहाँ पर एक डिजाइन हम नीचे भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए फिर से शेप में जाएंगे और डायमंड शेप सेलेक्ट करेंगे। डायमंड शेप को भी शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे, इसके आउटलाइन को व्हाइट करेंगे और कलर फील कर देंगे। अब इसे ही हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है और इस तरह से इसे सेट करना है। अब कोई भी अलग अलग कलर आप लगा सकते हैं और इसमें इफेक्ट भी हमें लगाना है, सर्कल लगाना है। सेम इसमें भी यही लगाएंगे। आप दूसरे इफेक्ट भी लगा सकते हैं देख करके आपका जो भी अच्छा लगे। फिर इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। एरो की से भी आप दाएं बाएं सेट कर। अब अंदर का कलर फील यहाँ पे बदलेंगे, चलिए पर्पल कलर ले लिए। फिर से कॉपी और पेस्ट करेंगे और इसे यहाँ पर सेट करना है अच्छे। अब इसका कलर फील चेंज करना, तो फिर से फील में जाएंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से चार कलर का एक डिजाइन आप देख पा रहे हैं बन गया। हमारे नोटबुक का लुक और बढ़ा देता है। इंसर्ट में जाकर आप एक छोटा सा सर्कल भी ड्रॉ कर लीजिए जो इसके ऊपर रहेगा, शिफ्ट के साथ ही कीजिएगा। और इसके अभी आउटलाइन आपको व्हाइट कर लेना है और इन कलर आप कोई भी रख सकते हैं, हम येलो कलर रख देते हैं। और इसे भी सेम इफेक्ट लगाएंगे जो इफेक्ट हम बाकी में लगा। अब हमारा नोटबुक हो गया रेडी। अब आप देख सकते हैं। अब एक बार में देखने के लिए व्यू में जाएं और यहाँ पर वन पेज सिलेक्ट कर दें। देखिए हमारा नोटबुक कितना फर्स्ट क्लास बन गया, आज का लेटेस्ट नोट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग नए नोटबुक का फ्रंट पेज, डायरी का फ्रंट पेज और किसी भी तरह का फ्रंट पेज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कॉपी का टाइम टेबल बनाने सीखेंगे, टाइम टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है वो सीखेंगे। इसके बाद इंडेक्स बनाने सीखेंगे, फिर कॉपी का लाइनिंग कैसे खींचा जाता है, लाइनिंग पेज कैसे बनाया जाता है वो बताएंगे। तो इस तरह से कॉपी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।